कार को सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि आप 2 दिन में ड्राइविंग सीख जाएंगे। लोग कहते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में तो नहीं सीख सकते, लेकिन 2 दिन में आप ड्राइविंग जरूर सीख जाएंगे। उससे पहले लोगों, दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे Facebook पेज को अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, उसको जरूर कर लें। अगर Facebook पेज YouTube चैनल से मेरे जुड़ेंगे आप सब, तो डेली हर एक दिन एक नई वीडियो, हर एक दिन एक नए स्टूडेंट के साथ में, हर एक दिन एक नई कार के साथ में मैं वीडियोस बना करके आप सभी को अपडेट करूंगा। आप उस वीडियो को देख करके आप लखनऊ जैसे शहर में, गोमती नगर जैसे एरिया में, इंदिरा नगर जैसे एरिया में ट्रैफिक में कैसे हमें कार को चलाना है आप सब बहुत ही बेहतर जान जाएंगे। दोस्तों अभी मेरे पास, मैंने आपको बताया ना कि अभी मेरे पास हुंडई की सेंट्रो कार है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप सभी को, जैसे कि नीचे मेरे पास 3 पैडल होते हैं। एक तो होता है एक्सीलेटर, फिर होता है ब्रेक, फिर होता है क्लच। दोस्तों ये मेरा क्लच है। लेफ्ट वाला जो पैर होता है ये मेरा क्लच पे फोकस करता है। जो लेफ्ट वाला पैर होता है ये हमेशा जो है क्लच पे ही फोकस करना होता है। दोस्तों ये मेरा है ब्रेक, फिर है एक्सीलेटर, ए बी सी, ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच। दोस्तों पैर मेरे पास 2 ही हैं। मैंने क्लच पे पैर रख लिया, एक पैर को मैंने रख लिया ब्रेक पे। अब जो ब्रेक वाला पैर है उसी का जो फिंगर है उसी को मुझे मूव करना, उठा करके एक्सीलेटर पे ले गया, फिर से मैं ब्रेक पे ले आया, फिर से मैं एक्सीलेटर पे ले गया, फिर से मैं ब्रेक पे लाया, फिर से एक्सीलेटर पे। ये क्लच है मेरा, लेफ्ट वाला पैर जो है ये क्लच है। मैंने क्लच को दबाया और छोड़ दिया। दोस्तों जब भी कोई भी पैंडल, तीनों पैंडल में अगर हमें पूरा पैंडल दबाना होगा तो वो होता है क्लच। क्लच को हमें जब भी कभी यूज करना होगा तो क्लच को हम लोग पूरा ही पैंडल दबाएंगे, क्लच को हम लोग पूरा ही पैंडल दबाएंगे, क्योंकि क्लच जब भी कभी यूज होता है वो क्लच पूरा ही दबाना होता हमें, ठीक है। ये है ब्रेक, ये एक्सीलेटर है। क्लच को हमें पूरा ही दबाना होगा, जब भी कभी दबाना होगा। ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है। दोस्तों क्लच का जो यूज होता है, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको लेफ्ट वाले पैर से, जो क्लच का यूज बहुत लोग क्या करते हैं कि वो पूरा पैर रख लेते हैं, ये पूरा पैर आपको नहीं रखना होता है। जब भी कभी हमें कोई भी पैंडल यूज, आप देख रहे हैं ना, जैसे कि अभी मैं दोनों पैर का जो उंगलियां हैं, फिंगर, पंजे, वो मुझे यूज करना है पैंडल के ऊपर। अगर आप पूरा पैर रख लेंगे तो आपको सही तरीके से पैर नहीं यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स को तो आप इसको सीखना है कि हमें पैंडल को दबाना कैसे है। दोस्तों एक्सीलेटर जो होता है, आपका जो राइट वाला पैर होता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको राइट वाला पैर से, इससे हम स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं, स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। और ब्रेक है स्पीड कम करने के लिए, क्लच है हमें गियर लगाने के लिए, क्लच है हमें गियर लगाने के लिए। ये हमारा होता है गियर लीवर, ये होता है गियर लीवर, इससे हम लोग गियर को शिफ्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 गियर होते हैं प्लस रिवर्स, बैक का जो एक गियर होता है, सिर्फ बैक का एक गियर होता है, बाकी इसमें 5 गियर, 5 + 6 मतलब 5 + रिवर्स मतलब कि 6 गियर आपकी कार में होते हैं। अब जब भी कभी हम लोग गियर को सेट करेंगे या शिफ्ट करेंगे या चेंज करेंगे, उसको कह लेंगे हम लोग या चेंज करना, तो जब भी कभी हमें गियर चेंज करना होगा तो हम लोग क्लच को दबाएंगे, क्लच को हम लोग पूरा दबाएंगे और फिर हम लोग गियर को लगाएंगे, जैसे कि लेफ्ट में आगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें गियर कैसे लगाना है। जब भी कभी हमें गियर लगाना होगा तो बिना क्लच के गियर नहीं लगेगा, जब भी कभी हमें गियर लगाना होगा तो बिना क्लच के गियर नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि हमें गियर कैसे लगाना चाहिए, चाहे तो वो इंजन बंद हो या इंजन स्टार्ट हो। ये गियर है, आगे में पीछे में गियर लगेंगे, ठीक है, आगे में पीछे में गियर लगेंगे, आगे में पीछे में गियर लगेंगे। इसको अगर हम लोग लेफ्ट करेंगे और आगे, फर्स्ट गियर हो गया, फिर इसको हम लोग वापस पीछे कर लेंगे, वापस मिडिल क्लास में आ गया, मिडिल साइड में आ गया,
तो ये गियर हमारा अभी न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब कि कोई सा भी गियर नहीं लगा है। अगर इसको हम लोग लेफ्ट करके पीछे करते हैं तो सेकंड गियर हो गया। अगर दोस्त जब भी कभी आपको फर्स्ट और सेकंड गियर लगाना होगा और गियर लीवर को अगर आप लेफ्ट नहीं करोगे तो फर्स्ट और सेकंड गियर नहीं लगेगा दोस्त। अगर हम सिर्फ इसको गियर लीवर को स्ट्रेट आगे सामने की ओर करेंगे सीधा तो फिर हमारा थर्ड गियर हो गया। इसको वापस करेंगे न्यूट्रल हो गया। फिर वापस पीछे बैक कर देंगे मतलब कि पीछे सीधा करेंगे तो ये हो गया हमारा फोर्थ गियर। दोस्तों अभी मैंने कितने गियर आपको बताया, चार गियर बताया। अब दोस्तों जब भी कभी हमें इंजन स्टार्ट करना होगा, जब भी कभी हमें इंजन स्टार्ट करना होगा तो हमें क्लच को दबा करके, कोई भी अगर आप नई या पुरानी या छोटी या बड़ी कार अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिना क्लच के इंजन को नहीं स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जो अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं वो बिना क्लच के इंजन नहीं स्टार्ट होता। कई लोग तो फंस जाते हैं और कहते हैं कि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो आपको ध्यान देना कि जब भी अगर हम कोई सा भी कार चला रहे हैं या थोड़ा सा कोई भी गाड़ी है तो उसको हमें जब भी कभी इंजन स्टार्ट करना है तो क्लच दबा के इंजन स्टार्ट करना है। थोड़ा सा पीछे करना तो थोड़ा सा इंजन क्लच दबा के हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्लच मैंने दबाया और इंजन स्टार्ट कर लिया। अभी मेरा इंजन स्टार्ट हो गया, पीछे करके बनाना, अभी इंजन स्टार्ट हो गया। अब हमने क्लच को दबा लिया और मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा लेफ्ट में आगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे। दोस्तों अभी मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि हमें कार को कैसे चलाना है। मैंने क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा लिया। अब हम लोग चलते हैं सामने की ओर। अभी मेरे सामने एक ई रिक्शा खड़ा हुआ छोटा सा, तो मैं स्टीयरिंग को हल्का सा राइट टर्न करके और फिर क्लच को हल्का हल्का छोड़ेंगे और फिर कार हमारी मूव करेगी। दोस्तों अभी आप नीचे देखेंगे तो मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी मेरी कार चल रही, क्योंकि मैंने क्या किया है, क्लच दबा के गियर लगा दिया है और क्लच को छोड़ दिया है तो कार हमारी रनिंग कर रही है अब मैं क्या करूंगा कि अभी मेरी कार जो है वो फर्स्ट गियर में चल रही है। फर्स्ट गियर में हमारी कार की जो स्पीड होगी वो करीब 5 से 10 की स्पीड होती है, अपने आप बिना एक्सलेट किए हुए 5 से 10 की स्पीड होती है। दोस्तों अब मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा एक्सलेट करूंगा, राइट वाले पैर से थोड़ा सा मैं एक्सलेट करूंगा हल्का हल्का स्लो, तो मेरी थोड़ी सी स्पीड निकलेगी कार से। और जब मेरी स्पीड 15+ हो जाएगी, तो फिर मैं एक्सलेट छोड़ूंगा और क्लच दबा करके और सेकंड गियर लगा लूंगा मैं। अभी मैंने क्या किया, सेकंड गियर में कार को लगा लिया, अब मेरी कार अभी चलना स्टार्ट कर गई। अब मैं एक्सलेट लेना स्टार्ट किया सेकंड गियर में। दोस्तों कार में जो स्पीड होगी हमारी वो करीब 20-25 की स्पीड होगी हमारी सेकंड गियर में कार में स्पीड। अब 20-25-30 तक हम स्पीड ले जा सकते हैं सेकंड गियर में, हम लोग 30 की स्पीड ले जा सकते हैं। अब सेकंड गियर में हमारी जो कार में जो स्पीड होगी वो करीब 30 तक स्पीड होगी। 30 से ज्यादा हम स्पीड अपनी कार में सेकंड गियर में नहीं चला सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हमें स्पीड चलानी है तो फिर हम थर्ड और फोर्थ गियर का यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, अगर अभी आप बिगनर मतलब कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप चलाना स्टार्ट किए हैं कार, सीख रहे हैं किसी के साथ में, तो दोस्तों हमें जब भी कभी कार को सीखना होता तो फर्स्ट और सेकेंड गियर में कार को चलाना होता है। जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो फर्स्ट और सेकेंड गियर में ही हम सीख सकते हैं, क्योंकि जो बेसिक होता है वो फर्स्ट और सेकंड गियर का ही खेल होता है दोस्तों। और उसके बाद जैसे कि थर्ड या फोर्थ गियर जो होता है वो हम लोग स्पीड के लिए होता है। तो दोस्तों अब जैसे कि हमें कार खड़ी करना है, तो मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रख लिया, और जब भी कभी कार खड़ी करेंगे तो हम लोग लेफ्ट साइड में खड़ी करेंगे, ब्रेक पे मैंने पैर रख लिया और मैंने क्लच पे पैर मेरा हमेशा रहेगा, जो लेफ्ट वाला पैर होगा क्लच पे हमेशा मेरा पैर रहेगा और मैं पूरा क्लच दबाऊंगा और फिर हम लोग हल्का ब्रेक लगा के और कार को खड़ी करेंगे। कार को हमने खड़ी कर दिया और अब हम लोग गियर को न्यूट्रल कर देंगे। अभी सेकंड गियर से मैंने गियर को न्यूट्रल कर दिया, ये हो गया दोस्तों।